अभी जातीय गोलबंदी और सांप्रदायिक गोलबंदी चल रहा है, ये आप भी महसूस किए होंगे। दोनों गोलबंदी से इस राज्य को, बिहार को और देश को कोई लाभ फायदा नहीं है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण दो बिहार मेल के लिए। जैसे जैसे चुनाव के की तारीखें क्या कहें कि चुनाव का दिन नज़दीक आ जा रहा है, अलग अलग मोर्चे फॉर्म हो रहे हैं, अलग अलग दलों की भी गतिविधियां अपने तरीके से बढ़ गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं देवेंद्र यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे। आप ये इस समय जब चारों तरफ कोरोना है, लॉकडाउन फिर अनलॉक हो रहा है, नए नए पॉलिटिकल फ्रंट्स बन रहे हैं, आप भी आज इस बार बदले बिहार और यशवंत सिन्हा के साथ हैं, क्या है उसके मायने क्या? देखिए, इस बार बदलो बिहार का एक एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग है कि बिहार का जो स्थिति है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक, सभी को आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तो बेहतर बिहार नहीं होगा। ये बेहतर बिहार, आप भी बेहतर बिहार के खिलाफ नहीं होंगे, बेहतर बिहार बनाने का एक संकल्प है और इसी से एक एक्सपेरिमेंट कहिए इसको, प्रयोग है। ये प्रयोग तो बिहार में होता रहा है। आप आज़ादी के संग्राम में सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण को चुना था भितिहरवा आश्रम से, और इसके बाद महात्मा बुद्ध ने भी बोध गया को चुना था। यहाँ जयप्रकाश नारायण ने 1974 में इसी जगह रहते थे, लेकिन सूरज बाबू की जब हत्या हो गई टाटा सिल्वे रांची में, एपी सेंटर है सूरज बाबू का लाश 73 में 21 अप्रैल को, बाबू सूरज नारायण सिंह स्वतंत्रता सेनानी, वहाँ से यह आंदोलन शुरू होता है। चूँकि जेपी दुखी हो गए, चूँकि उनके साथ कंधे पे 42 के आंदोलन में ले गए थे, तो ये तो प्रयोग स्थल है बिहार। मेरा कहना है बिहार से बेहतर आंदोलन का कोई दूसरा प्रयोग स्थल ही नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं। बिहार आखिर प्रयास तो करेंगे ना कि बेहतर बिहार हो, इसी हालत में छोड़ देंगे कि मजदूर हमारा बाहर जा कर के ट्रेन में दब के मर रहा है, साइकिल से चल रहा है, पैदल आ रहा है, भूखमरी का शिकार है, रोजगार उनको नहीं है, ये मूल समस्या है। रोजगार जब तक श्रम शक्ति का प्लान हो गया, हमारा राष्ट्रीय उत्पादन घट गया, हम आज स्वावलंबन नहीं बन पड़े अनाज उत्पादन के मामले में। आज हम पंजाब से गेहूं आता है तो हमारा जन वितरण प्रणाली में राशन कार्ड मिलता है। जैसे जैसे ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हावी होती जा रही हर चीज पे, मुद्दे तो गौण होते देखिए सबसे ज्यादा मुद्दों को उठाने की जरूरत है। अभी कुछ दिन यही चलेगा, लेकिन अब ये अचानक जो चुनाव के समय परिस्थिति जो आ गई, हाँ यही एक सिचुएशन है, यही सिचुएशन है कि चुनावी मैं इसको मानता हूँ कि समय कम है बिहार बदलने का जो है, लेकिन प्रयोग तो कहीं से शुरू होगा, आखिर स्टार्ट तो कहीं से करेंगे हम लोग, शुरू नहीं करेंगे तो फिर बिहार बेहतर बिहार कैसे बनेगा। ये तो संकल्प से ही विकल्प बनता है, विकल्प तुरंत नहीं बनता है, संकल्प लीजिएगा तो विकल्प बनेगा। इसीलिए जो लोग हैं सब लोग जुट करके, हम लोग का एक लक्ष्य है एक संबोध है कि भाई बिहार बेहतर कैसे हो। अभी तो ये अभियान है, एक आंदोलन है बिहार बदलो बिहार, इसके बाद फिर पॉलिटिकल दूसरे फेज में हम लोग पॉलिटिकल बात करेंगे। यशवंत सिन्हा भी इन सारी बातों को कह रहे थे, आप भी उन्हीं सारी बातों को कह रहे हैं, मगर इसमें अलग अलग फोरम है ना, देखिए कि एक सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ है, महागठबंधन एक धड़ा है जिसमें अपने तरीके से वो लोग भी कोशिश में है कि बुनियादी समस्याओं से जो जनता को भटका रही है। अफसोस यही है कि आज जनता को मूल समस्या से भटकाना आसान है, समझाना कठिन है, यही है हम लोग का सबसे बड़ा टास्क, समझाने की जरूरत करेंगे। इसीलिए तो बिहार बदलो बना है फ्रंट, कम से कम समझाने की कोशिश शुरू हुआ सब जगह चला जाए। ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो चुनावी राजनीति है उससे परहेज करते हुए, उससे अपने आप काटते हुए आप लोग सिर्फ मुद्दे पर आधारित, अभी मुद्दों पर आधारित अभियान है। आपने सुना होगा जसवंत सिन्हा जी ने यही कहा कि अभी हमारा है बदलो बिहार, इस बार बदलो बिहार ये आंदोलन एक अभियान है, इस अभियान के बाद इसी में से इमर्ज करेगा पॉलिटिकल जो न्यूक्लियस है इसमें से बनेगा। आपको क्या, हम विधानसभा चुनाव लड़ते हुए भी नहीं, मैं तो लड़ता नहीं हूँ चुनाव, मैं पार्लियामेंट लड़ता हूँ, 5 बार पार्लियामेंट में चुनाव जीत कर आया, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहा, जो संभव भी वित्त मंत्री थे। हम असेंबली चुनाव में खुद भाग नहीं लेंगे, लेकिन हम आदमी को तो साथी को तो लड़ाएंगे जो हमारे दल से जुड़े हुए हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो यहाँ समाजवादी मुखौटा लगा करके लोग विपक्ष में भी बैठे हुए हैं और सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन समाजवाद को धरती पर उतरने देने। मगर आपको बहुत बार तो महागठबंधन के खेमे के साथ भी देखा गया था, चाहे नहीं, स्वाभाविक है, जो उतार चढ़ाव होता है उसमें आदमी विचारधारा के लिए कोशिश करता है, हर आदमी चाहता है कि भाई समाजवादी व्यवस्था कायम हो, लेकिन ये लोग विचारधारा से बिल्कुल जो आदर्श है विचारधारा को भटक लोगों को भटका दिए हुए। अभी जातीय गोलबंदी और
सांप्रदायिक गोलबंदी चल रहा है, ये आप भी महसूस किए होंगे। दोनों गोलबंदी से इस राज्य को, बिहार को और देश को कोई लाभ फायदा नहीं होगा। चालाकी से न राष्ट्र को फायदा होगा न राज्य को फायदा होगा। चालाकी से निजी फायदा किसी का हो सकता है सत्ता में जाने। बहुत धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए।